हेलो फ्रेंड, माय नेम इज रंजना और आज हम असाइनमेंट सिक्स करने वाले हैं। और इस चैनल इस वीडियो की क्रेडिबिलिटी के लिए बात बता दें कि हमारा असाइनमेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ ये पूरे में 100 मार्क्स रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि असाइनमेंट सिक्स में भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। और लेट्स डू द असाइनमेंट सिक्स। Let's move with the question with the first question में पूछ रहा है कि a p-n junction help to stabilize an electron hole pair। इसमें बोल रहा है जो p-n junction होता है वह electron hole pair को stable position में लाता है। ये बात सही है, that's why इसको मैंने true लगाया है। दूसरे पे पहुंचते हैं। चार्ज डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ द पोजीशन इज द कांस्टेंट अक्रॉस द पीएन जंक्शन, या फॉल्स होगा क्योंकि हमें पता है जो चार्ज डेंसिटी होता है वो फंक्शन ऑफ द पोटेंशियल होता है, तो दैट्स व्हाई ये फॉल्स हो रहा है। थर्ड पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बैस द स्पेस चार्ज रीजन डिक्रीज विथ विड्स। ये बात सही है कि जो हमारा फॉरवर्ड बैस होता है तो उसमें जो स्पेस रीजन होता है वो कम होता है, डिक्रीज करता है, तो दैट्स वाई मैंने थर्ड का जवाब ट्रू लगाया है। फोर्थ पे पहुंचते हैं। ड्यूरिंग द रिवर्स बैस द एन साइड ऑफ द पीएन जंक्शन एलोन अफेक्टेड बाय द अप्लाइड पोटेंशियल। रिवर्स बोट में अफेक्ट केवल यहाँ पे एन साइड होगा, ये बात गलत है, दैट्स वाई फोर्थ फॉल्स होगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विदाउट एक्सटर्नल लोड व्हेन द एक्सपोजर ऑफ द लाइट ऑफ द पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बैस, दिस इज ट्रू, फिफ्थ इज ट्रू। सिक्स पे पहुंचते हैं। द रिकम्बिनेशन डज नॉट अकर इन द सोलर सेल, ये बात गलत है क्योंकि हमें पता है कि रिकम्बिनेशन जो प्रोसेस होता है वो होता है सोलर सेल में। हमने लेक्चर नंबर 16 में ये पढ़ा था कि उसमें बताया गया था कि जो रिकम्बिनेशन सोलर सेल में होता है, दैट्स वाई यह सिक्स का जवाब फॉल्स होगा। सेवेंथ पे आते हैं। द मैक्सिमम पावर पॉइंट ऑफ द सोलर सेल अकर व्हेन इट ओपन वोल्टेज, ये बात गलत है, सेवेंथ का फॉल्स होगा। एट पे आ जाते हैं। द फिल फैक्टर फॉर द न्यूली मैन्युफैक्चर सोलर सेल इज वन, ये बात गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें पता है जो आइडियल जो फिल फैक्टर हो, जब हम लोग इसका जवाब फिल फैक्टर जो होता है वो आइडियल जो सोलर सेल होता है ना उसके लिए फिल फैक्टर वन होता है, और मैक्सिमम जो अदर केसेस में होता है वन होना बड़ी मुश्किल की बात होती है क्योंकि यहाँ पे हमें न्यूली मैन्युफैक्चर सोलर सेल की बात हो रही है, यहाँ आइडियल की तो बात हो नहीं रही है, दैट्स वाई यह फॉल्स होगा। नाइन्थ पे पहुँचते हैं। मैक्सिमम पावर पॉइंट ऑफ द सोलर सेल मे बी वेरी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर, यह हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा था, उसमें बताया गया था प्रोफेसर द्वारा कि जो डिफरेंट सोलर पैनल होता है उसके पास डिफरेंट फील फैक्टर हो सकते हैं, तो द मैक्सिमम पावर पॉइंट ऑफ द सोलर सेल मे बी वेरी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चरर जो होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट जो सोलर सेल के होते हैं वो वेरी करता है, दैट्स वाई यह ट्रू हो रहा है। टेंथ पे पहुँचते हैं। उसमें पूछ रहा है द शॉकले क्वेजर लिमिट सजेस्टेड द सिंगल जंक्शन द सोलर सेल है एफिशियंसी कैन रीच द 100% व्हेन द सन इज ओवरहेडेड। यह इसका जवाब फॉल्स इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें पता है जो सिंगल जंक्शन की एफिशियंसी जो सोलर सेल की होती है वो 33% होती है। हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि इन अनकंसेंट्रेटेड AM 1.5 रेडिएशन विद गैप ऑफ द 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 33.4% ऑफ इफिशियंसी इज ऑफ 10, दैट्स वाई 10 का जवाब फॉल्स होगा। और उम्मीद करती हूँ फिफ्थ असाइनमेंट में भी आपके 100 मार्क्स थे और इसमें भी उम्मीद करती हूँ कि इसमें पूरे ही जवाब सही होंगे। और कोई भी त्रुटि लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और मुझे भी कोई डाउट लगेगा या मुझे कोई भी, वैसे तो मुझे मेरे हिसाब से पूरे जवाब सही हैं, कोई भी डाउट लगे तो मैं लास्ट मोमेंट से पहले मैं उसमें एडिट कर दूंगी, कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपकी इसमें भी 100 मार्क्स होंगे। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग मी, और यहाँ से जाके आप सबमिट कर लें।